साहब, कल के मैच के बारे में बताइए, फुटबॉल मैच के बारे में। इंग्लैंड ने बड़ा जबरदस्त शानदार आगाज किया और ईरान को उन्होंने शिकस्त जो है वो उनको सामना करना पड़ा शिकस्त का। बताइए, व्हाट्स योर टेक? मेरे ख्याल क्या जो है वो ओवरऑल मैच को आप किस तरह से देखते हैं? जो इंग्लैंड के कोच हैं गैरेथ साउथगेट, उन पे ये काफ़ी हद तक वो उनको तनकीद का सामना करना पड़ा है अभी तक, कि वो थोड़े कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं अपनी गेम में। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को से सीखा या शायद उसको उन्होंने मद्देनजर रखते हुए कल ईरान के खिलाफ बहुत ही अटैकिंग टीम उतारी। एग्जैक्टली, नॉर्मली उनकी फॉर्मेशन होती है 5 at the back, 2 in the middle and 3 forward। कल उन्होंने ये किया, 5 at the back की बजाय 4 at the back खिलाए, 4 defender खिलाए 5 defenders के बजाय। इससे उसके अलावा उन्होंने एक डिफेंसिव मिडफील्डर की जगह अटैकिंग मिडफील्डर माउंट को मौका दिया, मेसन माउंट को, और साथ ही साथ उन्होंने फुल फ्लेज अटैकिंग फुटबॉल खेली। जैसे इसके बरक्स जब हम ईरान पे आते हैं, ईरान से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि ईरान एशिया की सबसे हाईली रैंक टीम है। अगर आप एशिया की जो टीम जिस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करी हैं, आप कतर देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, साउथ कोरिया, ईरान से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी। Exactly. लेकिन ईरान का बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच था। दे प्लेड 5 at the back, 5-4-1 उनकी फॉर्मेशन थी, 5 defenders थे, 4 midfielders थे और सिंगल लोन स्ट्राइकर था। तो उस फॉर्मेशन, डिफेंसिव फॉर्मेशन की वजह से वो बहुत ज़्यादा शेल में चले गए ईरान। इंग्लैंड ने उसको कैपिटलाइज किया। 30-35 मिनट तक तो उन्होंने गोल पड़ने से रोक लिया। डेफिनेटली इंग्लैंड का फीफा रैंकिंग के एतबार से 5वें नंबर पे टॉप टीम है जी। लेकिन जब उन्हें पहला गोल किया, उसके बाद फ्लड गेट्स खुल गए और यक्के बाद दीगरे गोल होते रहे और वो उसको... एक चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा, हमने देखा कि इंग्लैंड हमेशा हर वर्ल्ड कप में परफॉर्म उतना नहीं कर पाता और हमेशा ओवररेटेड टीम कहला जाती है, बट लास्ट 4-5 ईयर से इनकी परफॉर्मेंसेज, चाहे यूरो कप की बात करें या फीफा वर्ल्ड कप में, बेहतर होना शुरू होगी, तो इसकी क्या रीज़न नज़र आती है आपको? ये बड़ा इनका इंटरेस्टिंग फैक्टर है। इंग्लैंड के हम प्लेयर्स देखें और जो 10 साल पहले इनके प्लेयर्स देखें, जो 10 साल पहले इनके प्लेयर्स से जो मौजूदा लॉट से शायद बहुत बेहतर थे। अगर आप इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइल देखें, तब इनके पास लैम्पार्ड था, जेरार्ड था, टेरी था, फर्डिनेंड था, अटैक में रूनी था। ये अगर इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंस देखें तो ये प्लेयर्स प्रेजेंट लॉट से शायद बेहतर थे। जो ये प्रेजेंट लॉट है, शायद इनमें इतने स्टार प्लेयर्स नहीं है, छोटे क्लब से आए हैं मोस्टली, लड़के देख रहा था मैं, कुछ अच्छे मतलब मिक्स है, कोई बहुत कह लें कि अच्छे क्लब से भी खेलते हैं लोग, कुछ कह लें कि, लेकिन एज अ टीम गैरेथ साउथगेट को क्रेडिट जाता है कि उसने इतनी मेहनत की इन पे और उनको पिछले फीफा वर्ल्ड कप में भी इनको सेमीफाइनल तक लेके गए और जो यूरो कप हुआ है रिसेंटली उसमें ये फाइनलिस्ट थे और जो प्रेजेंट वर्ल्ड कप है इसमें भी इनसे काफ़ी हम तवक्को कर सकते हैं ये आगे तक जाएंगे। और ये खास तौर पे जो कल ग्रुप बी के तनाजुर में ये बड़ा कह लें कि अब बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, जिस तरह इंग्लैंड ने तो अपना 6-2 से ईरान को हरा के काफ़ी हद तक अपनी जगह पक्की, एक्सपेक्टेड भी था। अब जो दूसरा इंटरेस्टिंग मैच था वो US और वेल्स का था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था, क्योंकि अगर हम ग्रुप बी में देखें, ग्रुप बी में इस टाइम इंग्लैंड है, US है, वेल्स है और ईरान है। तो फर्स्ट स्लॉट तो मोस्ट लाइकली उसके फेवरेट हैं इंग्लैंड ही है। जो सेकंड स्लॉट है क्वालिफिकेशन का, क्योंकि 4 में से 2 टीमें क्वालिफाई करेंगी राउंड ऑफ 16 की, जो सेकंड स्लॉट है वो US और वेल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, जो 1-1 टाई हो गया। अब सेकंड स्लॉट इंटरेस्टिंग होगा कि ग्रुप बी के लिए कौन क्वालिफाई करेगा। रैंकिंग में भी बड़े क्लोज थे ये। बिल्कुल, आपका बड़ा रेलेवेंट पॉइंट है। US की रैंकिंग 16 नंबर है फीफा, वेल्स की रैंकिंग 19 है। और जो अगर हम इस मैच को डिस्कस करें, US और वेल्स को, US ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया, स्टार्ट में बड़े डोमिनेंट रहे, हालांकि ऑन पेपर वेल्स की टीम मैं इसलिए बेहतर समझता हूँ क्योंकि वो ऑन डेली बेसिस, एक तो वो यूरोपियन फेडरेशन से बिलोंग करते हैं, जो यूरोपियन फेडरेशन से में जो टीम्स होती है उनका ऑन डेली बेसिस अच्छी टीम से कम्पीट करना पड़ता है, जिसमें कह लें कि इंग्लैंड है या उनको बाकी जो यूरोपियन टीम्स है, हिस्टोरिकली यूरोपियन टीम्स टॉप पर रही हैं, नेदरलैंड्स, डेनमार्क, फ्रांस। तो US जो है, US की जो फेडरेशन है जिससे वो करते हैं, जिसके थ्रू ने क्वालिफाई किया, कॉन्काकैफ जिसको कहते हैं, जिसमें नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका, उसका स्टैंडर्ड ऑफ फुटबॉल यूरोपियन यूईएफए जितना अभी तक नहीं। तो इस लिहाज से हालांकि रैंकिंग में US वेल्स से ऊपर है, लेकिन वेल्स की टीम मैं समझता हूँ कह लेंगे कंपैरेटिवली बेहतर है, खासतौर पर गैरेथ बेल है, उनके बहुत आउटस्टैंडिंग स्ट्राइकर हैं। तो शुरू में US ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसको वो कैपिटलाइज नहीं कर ले और सेकंड हाफ में फिर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट 83rd मिनट में बेल ने पहले पेनल्टी विन की और उसके बाद पेनल्टी विन करके कन्वर्ट करना, ये बड़ा मुश्किल होता है। Exactly. ये बड़ा साइकोलॉजिकली मुश्किल होता है कि
एक तो आप पेनल्टी विन भी कर लो फाउल तो उसके बाद और प्रेशर सिचुएशन में बड़ा प्रेशर पेनल्टी थी क्योंकि अगर वो हार जाते वेल्स यूएसए उनके लिए क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता क्योंकि वेल्स के लिए इंग्लैंड को हराना मुश्किल होना था तो इस लिहाज से ये बड़ा क्रूशियल मैच था। इरफान साहब पाकिस्तान कब लोहा मनवा रहा है अपना फुटबॉल की दुनिया में? ये हम पहले ट्रांसमिशन कर रहे हैं इनके साथ तो उसमें भी डिस्कशन नहीं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है उसमें ये देखे ना कि हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है फुटबॉल को। थोड़ा सा हमने जो मिनिस्टर थे फैसल साले आया तो उस दौर में थोड़ा बहुत सुनने को आया। अब तो मेरा ख्याल है रैंकिंग में भी कहीं हम स्टैंड नहीं कर रहे फुटबॉल के अंदर। और मैंने जिसका शायद पहले भी जिक्र किया था कि हॉकी के अंदर अगर हम बात करें जो हमारी नेशनल स्पोर्ट्स है उसको प्रो लीग खेलना था एक ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए तो 8 करोड़ रिक्वायर्ड था जो कि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं किया। जब आप नेशनल स्पोर्ट्स को जिसमें आप 4 दफा के वर्ल्ड चैंपियन अभी भी सबसे ज्यादा वर्ल्ड चैंपियन है आपकी उसकी प्रायोरिटी नहीं है तो फुटबॉल तो आप सोचे भी ना। बट एक बड़ी हजार भाई आप भी उसमें जरूर शेयर करें कि हमारा जो स्ट्रीट बॉयज है वो जाके कंपटीशन खेलते हैं कभी मिशन ना कोई और विंटर क्या करेंगे तीसरे नंबर पे इधर प्रॉब्लम है चाइल्ड फुटबॉल में। क्या अगर उन्हीं पे इन्वेस्टमेंट की जाए आपको लगता नहीं कि वही लड़के हमें शायद कोई टाइटल लग जाए या फिर इदारों के पास पैसे नहीं है तो स्पॉन्सर्स ढूंढ ले। हां है अनफॉर्चूनेटली डोमेस्टिक सेटअप होता है उसका बहुत रोल होता है किसी भी टीम को ग्रूम करने के लिए। जो डेवलप जो टीम्स इस टाइम वर्ल्ड फुटबॉल में आ गए हैं या जो ममालिक आ गए हैं उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। वो आप देखें लियोनेल मेसी है बहुत बड़ा कह लें कि स्टार है। नॉर्मली वहाँ पे यूरोप में या साउथ अमेरिका में जो क्लब्स हैं वो एट द एज ऑफ 3 लड़कों को फुटबॉल अकेडमी में डाल देते हैं और एट द एज ऑफ दे स्टार्ट प्लेइंग फुटबॉल एट द एज ऑफ 3 सो बाय द टाइम दे रीच 18 इतने उनके अंदर कह लेंगे प्रो हो चुके होते हैं। और साथ ही साथ जो उनका ऐसा एकेडमीज का सेटअप ऐसा होता है कि ना सिर्फ जो अगर वो टैलेंट आइडेंटिफाई कर लें तो उनके स्काउट्स बहुत एक्टिव होते हैं प्रोएक्टिवली वो देख रहे होते हैं कि अगर कोई लड़का नया निकल रहा है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं फिर उसको ऐसा पैकेज देते हैं कि एकेडमीज उसकी जो स्कूल की कॉस्ट है वो भी बेयर करती है। इवन अगर वो कोई ऐसे घराने से हो कि जहाँ पेरेंट्स उसके इतने अफोर्डिंग नहीं हो तो इवन वो उनका खर्चा तक बर्दाश्त करते हैं ताकि साथ साथ वो अगर फुटबॉल तो सीख ही रहा है साथ साथ वो अब उसकी वैसे भी एजुकेशन भी होती रहे और ये होगी तो जी जी इजहार साहब आपने बड़ी अच्छी बात की कि 3 साल की उम्र में बच्चों को ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में तो अलमिया ये भी है कि 3 साल का बच्चा स्कूल ही नहीं जाता। माँ बाप को लगता है बच्चा बहुत छोटा है बच्चा तो बोल नहीं सकता 5 साल का अब शुरू हो गया 3.5 साल लेकिन नॉर्मली यही होता है नॉर्मली यही होता है 5 साल। मैं अपनी फैमिली की अगर एग्जांपल लूं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी ये लगता है कि बच्चा 5 साल का स्कूल जाना चाहिए। हमारे दो अलमी है एक तो ये है कि बच्चा हमारा स्पोर्ट्स वो खेलता है जो बिल्कुल नकारा बच्चा होता है और दूसरा ये कि हमारा तो इधर 20 साल के बच्चे को भी नहीं पता होता मेरी डायरेक्शन क्या है स्पोर्ट्स है एजुकेशन है जो कि एजुकेशन भी है तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने किस लाइन को चूज करना है exactly. तो हमारा तो इस तरह का कोई मैकेनिज्म ही डिफाइन नहीं किया। इरफान साहब की बिल्कुल बात ठीक है आप आर्ट्स रिलेटेड जितनी भी चीजें स्पोर्ट्स हैं उसमें पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा ना लायक है तो उसको खेल रहा है आप बिल्कुल दुरुस्त करें कि हमारा ये कल्चरल डायलेमा भी है कि हम बच्चों को अब स्पोर्ट्स को इतना इनकरेज नहीं करते हमारा बड़ा बच्चों के हवाले से बड़ा यूनि डायमेंशनल अप्रोच होता है कि बस ग्रेड्स यार तुमने अच्छे लेने अच्छे ग्रेड्स लो रट्टा लगा लो अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखला लो। लेकिन फॉर इन ऑर्डर टू बी अ वेल राउंडेड इंडिविजुअल स्पोर्ट्स बड़ा कह लें कि इम्पोर्टेंट फैसेट है और बच्चे जो स्पोर्ट्स खेलते हैं बड़ा सीखते हैं उनमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है उनके अंदर ड्राइव आती है चैलेंजेस को रेजिलियंस होती है बड़ा पर्सनैलिटी को कह लें करता है आप बहुत इवॉल्व करते हैं। और कहा ये जाते हैं कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं उनकी ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है जिस्मानी बड़ी प्यारी सेइंग है एक उसमें है कि जिन कोमों के खेल आबाद होते हैं उनके अस्पताल वीरान होते हैं आबाद होते हैं उनके खेल वीरान होते हैं। इसलिए हमारा हमेशा यही रोला होता है कि सेहत के लिए कितना बजट है इस साल ठीक है और क्या सरकारी अस्पतालों में जो है वो अब ये देखे ना नीरज चोपड़ा जो था जिसने ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो विन किया था उसका जो बजट था एक साल का वो 10 करोड़ था ठीक है। हमारी पूरी ओलंपिक फेडरेशन का जो बजट था दैट इज ओनली 2 करोड़। आप इधर से प्रायोरिटी का अंदाजा लगाएं कि एक प्लेयर पे क्या इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और आप कहते हैं कि रॉ टैलेंट जो है वो खुद बखुदी मेहनत करे खुद बखुदी मतलब आपके तहत वाला है साहब। इसका मतलब है कि हम हर बार बस यही शुक्रिया अदा करते रहेंगे कि थैंक यू फॉर यूजिंग आवर बॉल्स फुटबॉल्स एंड यू नो जो चल रहा है अभी आजकल के सियालकोट में बन रहे हैं हैंडमेड हैं और
तो बस यही चलता रहेगा मेरे ख्याल में। इज़हार साहब, जल्दी से आपको कमेंट लेना चाहेंगे आज के मैचेस के हवाले से भी। आज प्रोबेबली पहला जो मैच है सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना का है। आज चार मैचेस हैं। जी जी, चार मैचेस। पहला मैच है सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना का, उसके बारे में बताइए। ये बड़ा कह लें कि बड़ा मिस मैच है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। अर्जेंटीना नंबर 3 फीफा रैंक्ड है, कोपा अमेरिका के चैंपियंस हैं जो उनका कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट है। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया जो है 51 इनका फीफा रैंकिंग है। जो अर्जेंटीना है इनका आपको पता है मेन प्लेयर बड़ा मशहूर और मरूफ लियोनेल मेसी इनका मेन प्लेयर है, और ये हो सकता है इसका आखिरी वर्ल्ड कप हो, तो इसकी ख्वाहिश होगी कि मैं, क्योंकि ये हर कंपटीशन जीत चुका है वर्ल्ड कप के अलावा, तो इसकी ख्वाहिश होगी कि मैं इन ऑर्डर टू गो डाउन एज अ टू ग्रेट इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल मैं वर्ल्ड कप जीतूँ। तो मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया की कोशिश होगी कि कम से कम गोल डिफरेंस से हम गोल डिफरेंस इतना ज्यादा ना हो, यही इसमें में मेरा। जी। उसके बाद मैच है डेनमार्क एंड ट्यूनिजिया का। जी। ये ग्रुप बी के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। ग्रुप डी में बाकी एक डेनमार्क ट्यूनिजिया के अलावा फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। ग्रुप डी की अगर हम डायनेमिक्स चेक करें, फ्रांस डेनमार्क ट्यूनिजिया ऑस्ट्रेलिया, तो फ्रांस तो करंट वर्ल्ड चैंपियंस हैं, वो डिफेंड कर रहे हैं, वो टॉप टीम है। जो सेकंड स्लॉट है उसके तनाजुर में डेनमार्क और ट्यूनिजिया का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। जो ये मैच जीतेगा उसको उसके चांसेस हैं कि वो फ्रांस के साथ इस ग्रुप से क्वालिफाई कर जाए। ठीक है। तो इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेनमार्क के मेन प्लेयर्स क्रिस्टियन एरिक्सन है, उस पर वो काफ़ी डिपेंड कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। जी, मेक्सिको एंड पोलैंड का भी आज रात 9 बजे मेक्सिको पोलैंड का। ये ग्रुप सी में जो और एक तो अर्जेंटीना सऊदी अरेबिया मेक्सिको और पोलैंड है, ये चार टीमें ग्रुप सी में। अर्जेंटीना तो उससे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ग्रुप टॉप करेंगे, तो और सेकेंड स्लॉट के लिए मेक्सिको और पोलैंड बड़ा क्रूशल मैच है, क्योंकि मेक्सिको 13 नंबर पे फीफा रैंकिंग्स में, पोलैंड 26 नंबर पे है। मेक्सिको ने क्वालिफाई किया है कॉन्ककैफ से, जो सेंट्रल अमेरिका की इनकी फेडरेशन है। पोलैंड ने थ्रू प्लेऑफ क्वालिफाई किया है यूरोप से। मेक्सिको के राउल जिमेनेस स्ट्राइकर हैं, और जो इम्पोर्टेंट है पोलैंड के जो मेन प्लेयर लेवेंडोस्की हैं, जो बड़े कह लें कि इस टाइम बहुत प्रोलिफिक यूरोपियन लीग में खेल रहे हैं, तो ये बड़ा क्रूशल मैच होगा। और उसके बाद आज रात 12 बजे फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया के, ये बड़ा मैच, ये कह लें कि ये भी ऑस्ट्रेलिया अभी तक खेज एक मैच होगा। जी, ये काफी हद तक इसमें भी ऑस्ट्रेलिया अभी तक जो एशियन टीम की परफॉर्मेंस रही है वर्ल्ड कप में कोई इतनी अच्छी नहीं रही। आप देख लें कि ईरान है या कतर है, जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एशिया में ये वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें ये ज्यादा परफॉर्म करेंगे, लेकिन अभी तक कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। तो ऑस्ट्रेलिया हालांकि है तो ये ओशियानिया में आता है, लेकिन इन्होंने रिसेंटली ये एएफसी फेडरेशन के, एशियन फेडरेशन के पार्ट हो गए, इन्होंने भी उस रूट के थ्रू क्वालिफाई किया। ओके, तो ये भी कल वो एक मैच हम मिस कर गए, नीदरलैंड और सेनेगल का। अब मैंने तो देखा सेनेगल बहुत अच्छा खेला, अगर उसकी गोल शॉट्स देखे, अनलकी थोड़ा सा रहे उनके कीपर की, मेरा ख्याल है बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस है। 100% एग्री करता हूँ। सेनेगल जो है उनका मेन प्लेयर सादियो माने है, वो अनलकीली इस टूर्नामेंट के लिए इंजर हो गया है, उसके बावजूद कल सेनेगल ने नीदरलैंड से मेरे ख्याल में बहुत बेहतर खेल रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फुटबॉल में मोमेंटम बहुत मैटर करता है। जब आप डोमिनेट कर रहे हो तो यू हैव टू कन्वर्ट योर चांसेस, जो उनको चांसेस मिले सेनेगल को वो उसको कन्वर्ट ना कर पाए। नीदरलैंड्स ने एक तो दे रिमेन टाइट एट द बैक, आप देखें अपॉर्चुनिटीज तो क्रिएट हुई लेकिन दे रिमेन टाइट, उनके कीपर ने बहुत, लेकिन जो नीदरलैंड्स को अपॉर्चुनिटीज मिली 83rd मिनट में नहीं कर पाए, नीदरलैंड ने अपॉर्चुनिटी को अवेल किया, सेनेगल ने अपॉर्चुनिटीज को वेस्ट किया। तो इस वजह से नीदरलैंड्स कह लें कि बीइंग अ क्लिनिकल टीम उन्होंने बड़े लास्ट 7-8 मिनट के अंदर दो गोल करके, और मैं खुद आपसे एग्री करता हूं सेनेगल अनलकी रहे, हम इतना अच्छा उनके कीपर, मेरा ख्याल है एक डिफरेंस बात करें ना दोनों टीम में तो कीपर का डिफरेंस था, उनके कीपर ने बड़े खूबसूरत सेव किए 3-4 गोल, सेव भी अच्छे थे। और वैसे भी नेदरलैंड्स का जो डिफेंस है वो काफी हद तक नेथन एके हैं उनके लेफ्ट सेंटर बैक, सेंटर में विर्जिल वैन डाइक हैं, बड़े कह लें कि एस्टैब्लिश डिफेंडर है, डीलेट राइट सेंटर बैक है, तो नेदरलैंड्स का डिफेंस बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता है। सेनेगल मिस कर रहे थे सादियो माने को, अगर सादियो माने होता तो जैसे स्ट्राइकर होता है तो आई एम श्योर जो इनको चांसेस मिले हैं उन्होंने कन्वर्ट कर लेते और वो इसको विक्ट्री में, लेकिन देन अगेन आई रेकन के सेनेगल डू हैव द पोटेंशियल टू गो अलोंग वे इन दिस टूर्नामेंट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, टाइम कम है और आपका भी बहुत शुक्रिया।